मैं शक करने की आदत है, उसे बोलने की आदत है, मुझे हंसने की आदत है, राम को बात करने की आदत है, तुम्हारे अंकल को शक करने की आदत है। कैसे बनाएंगे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस, बोल देते हैं ना हम कभी कभी। तो आखिर इस वीडियो में मैं आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस लाई हूँ और इनको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए टेक्निक क्या देनी है, किस तरीके से स्ट्रक्चर का यूज करना है, उसमें हमें ट्रेंड होना है, लास्ट में हमें एक्सरसाइज लेनी है, एक्सरसाइज का उसका आंसर देखना है। तो ये सब चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर, वो भी केवल एक ही वीडियो में। तो इतना सब कुछ है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइज, ऑब्वियसली आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखना होगा, कॉन्सेंट्रेशन से आपको यहाँ पे काम करना होगा, क्योंकि इसका फायदा क्या होगा, पैसे हजारों लाखों सेंटेंस चुटकियों में बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम्हें शक करने की आदत है, लेकिन ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये हमारे यू कैन स्पीक का स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 63 नंबर का स्ट्रक्चर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव हैबिट टू डाउट। अभी शक करना यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को हमने टू डाउट करके पीछे कर दिया है। क्या तुम्हें शक करने की आदत है, डू यू हैव हैबिट टू डाउट। तो शक करने के लिए हम डाउट का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा होगा, आप बोलेंगे मैम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताती हूँ कि तुम्हें शक करने की आदत नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे, यू डोंट हैव हैबिट टू डाउट। नहीं के लिए हम यहाँ पे डोंट का यूज करेंगे, हैवंट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंट का यूज इन कंपेरिजन ऑफ हैवंट ज्यादा अच्छा लगता है, दैट्स वाई। अब देखिए, जो भी वर्ब होते हैं यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है, हैबिट टू मतलब होता है आदत, और शक करना इट मीन जो भी आपके वर्ब्स होंगे उनको आप टू के बाद में आप लास्ट में ही लिखेंगे, वर्ब को आपको बीच में नहीं लिखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर, क्या तुम्हें शक करने की आदत है, डू यू हैव हैबिट टू डाउट। क्या तुम्हें लिखने की आदत है, डू यू हैव हैबिट टू राइट। क्या तुम्हें सुनने की आदत है, डू यू हैव हैबिट टू लिसन। तो आगे हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स बताना चाहूंगी, ये सभी हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे वो स्ट्रक्चर हमारे जो स्पोकन के स्ट्रक्चर्स है उनसे बिल्कुल ही अलग है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, कि हमारे ऐप में ग्रामर का भी कोर्स है, जिसको आप सीक्वेंस वाइज 180 वीडियोस वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर की एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई वी यू दे ही शी राम श्याम। इसमें हम अपने स्ट्रक्चर को कैसे बिठाते हैं, देखिए, आई वी यू दे से पहले के साथ हमें हैव का यूज करना है, बाकी सबके साथ में हैज का, सिंगुलर के साथ में हैज का यूज करना है। आई हैव हैबिट टू डाउट, मुझे शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है, वी हैव हैबिट टू डाउट, हमें शक करने की आदत है, तुम्हें शक करने की आदत है, यू हैव हैबिट टू डाउट, उन्हें शक करने की आदत है, दे हैव हैबिट टू डाउट, उस लड़के को शक करने की आदत है, ही हैज हैबिट टू डाउट, उस लड़की को शक करने की आदत है, शी हैज हैबिट टू डाउट, उस कुत्ते को शक करने की आदत है, इट हैज हैबिट टू डाउट, राम को शक करने की आदत है, राम हैज हैबिट टू डाउट, श्याम को शक करने की आदत है, श्याम हैज हैबिट टू डाउट। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सेंटेंस, मुझे शक करने की आदत थी अब नहीं है, कैसे बनाएंगे, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपको इस YouTube सीरीज के मोर देन 150-200 एडवांस स्ट्रक्चर PDF फॉर्म में बहुत कम कीमत में प्राप्त करना है, तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। अभी एक्सरसाइज, राम को गाने की आदत है, हमें लिखने की आदत है, मुझे सुनने की आदत है, तुम्हें झगड़ा करने की आदत है, उसे किताब पढ़ने की आदत है, बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तभी आपको आगे जाना है। आदत के लिए क्या यूज करना हैबिट टू, आदत के लिए आप हैबिट टू का यूज कीजिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, जो भी वर्ब है। पहले हमें यहाँ पे सभी में वर्ब ढूंढ लेनी है, गाना, लिखना, सुनना, झगड़ा, पढ़ना, ये सभी वर्ब है, ये सभी लास्ट में आएंगे, हैबिट टू के बाद ये सब आने वाला है। तो हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन तो समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। राम को गाना गाने की आदत है, राम हैज हैबिट टू क्या करना है, हैबिट टू यहाँ पर सिंग सॉन्ग, सिंग के बाद में सॉन्ग करना है। हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सिंग अ सॉन्ग, आप लास्ट में गाने की आदत है तो गाने के लिए हम सॉन्ग का यूज कर सकते हैं। हमें लिखने की आदत है, वी हैव हैबिट टू राइट, डाउट का यूज मत करना, वहां पे शक करने की आदत है, यहाँ पर लिखने की आदत है। आगे जाकर के हम चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुझे सुनने की आदत है, आई हैव हैबिट टू लिसन, ऐसे ही आपको बोलना है। तुम्हें झगड़ा करने की आदत है, यू हैव हैबिट टू क्वरल। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया, जो भी वर्ब होता है वो लास्ट में आता है, टू के बाद आता है, स्टार्टिंग में आपको हैज हैव आपका यूज करना है अकॉर्डिंग टू आपको सब्जेक्ट के। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे किताब पढ़ने की आदत है, ही हैज हैबिट टू रीड बुक, या किताबें पढ़ने की आदत है तो आप बुक्स कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, एज इट इज आपको मिलेगा। मुझे शक करने की आदत थी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आई हैड हैबिट टू डाउट। तो यहाँ पर गाइज आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको हैड का यूज करना होगा, जो आपको पास्ट में लेके जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो रहा होगा, आप प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। हाँ, प्रैक्टिस से मुझे ध्यान आया गाइज, आपको यदि इंग्लिश में सच में ट्रेंड होना है ना, ये तो सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, यूट्यूब पर आएंगे, आप देखते रहेंगे, लेकिन बेसिक कंस्ट्रक्शन आपको कोई नहीं बताएगा,
जाएगा, तो इसलिए मैं आपके सामने लेकर आई एक बहुत ही शानदार ऐप यू कैन स्पीक इट एंड एक्ट। यहाँ पे दो अलग अलग कोर्स है, एक ग्रामर का एक स्पोकन का, की पूरी जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। क्लास फ्रेंड्स, आगे के हमारा जो एडवांस स्ट्रक्चर है उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।